शिव भक्तों के लिए तो ये एक ट्रीट है, क्योंकि ये हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई मूवी है और शिव जी से जुड़ी हुई मूवी है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिव्यू बाय प्रिया। और आज हम बात करने वाले हैं एक तेलुगु मूवी के बारे में, जिसने 2021 में ही तेलुगु इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा धमाका मचाया हुआ था। और अब ये हिंदी में रिलीज होकर हिंदी में भी बहुत ही ज्यादा धमाके कर रही है और बहुत ही ज्यादा ऑडियंस को पसंद आ रही है, जिसका नाम है अखंडा। अखंडा मूवी है सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की। नाम सुनकर ही आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए होंगे, क्योंकि नंदमूरी बालकृष्ण की फैन फॉलोइंग है ही इतनी और लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। नंदमूरी बालकृष्ण एक ऐसे इंसान है जिनका स्टाइल, स्वैग, सब कुछ बिल्कुल अलग है। मतलब उनकी जब फिल्म आती है तो लोग सभी एंगल बाजू में रखकर सिर्फ उनको देखने जाते हैं, उनके एक्शन, उनके मास वगैरह सब कुछ देखने जाते हैं। सब फिजिक्स वगैरह, लॉजिक वगैरह सब कुछ बाजू में रख दिया जाता है, बस एंजॉय किया जाता है वो स्क्रीन पर उनका परफॉर्मेंस। तो ऐसी एक मूवी आई है जिसका नाम है अखंडा, जिसमें आपको नंदमूरी बालकृष्ण डबल रोल में देखने को मिलेंगे, यानी कि डबल धमाका और डबल एंटरटेनमेंट। अखंडा मूवी में नंदमूरी बालकृष्ण की एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त है। उनकी बैक एक्टिंग के बारे में तो बताना जरूरी है ही नहीं, और बाकी के स्टार्स की भी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। मतलब प्रज्ञा जायसवाल, जगपति बाबू या फिर श्रीकांत, इनकी एक्टिंग भी बहुत ही अच्छी है, लाजवाब है, यही कहना चाहूंगी। तो ज्यादा यहाँ वहाँ की बात ना करते हुए सीधा चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। तो मूवी की स्टोरी जो है वो एक जंगल से शुरू होती है, जहाँ पर एक खुदान का काम चल रहा है, जहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है। तो आपको बता दें कि यूरेनियम वो है जो खतरनाक हथियार बनाने में इस्तेमाल होता है। इस खदान का मालिक वरदा है, जिससे पूरा शहर डरता है, लेकिन वो सिर्फ एक इंसान की बात मानता है, वो सिर्फ एक बाबा की बात मानता है जो भविष्य देख सकता है, जिसके पास भविष्य देखने की ताकत है। वहीं पर यूरेनियम की खुदान से जो रेडिएशन निकलते हैं वो आसपास के एरिया के जो लोग हैं उनको बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसके बाद एंट्री होती है हमारी हीरो की, यानी मुरली कृष्ण की, जो कि है नंदमूरी बालकृष्ण, जिनका पहला किरदार होता है मुरली कृष्ण। उनकी एंट्री होती है, वो विरोध करते हैं वरदा का, लेकिन वरदा उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और उनको ही रास्ते से हटाने का प्रयास करता है। तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट और एंट्री होती है अखंडा की, यानी नंदमूरी बालकृष्ण के दूसरे किरदार की, जो बिल्कुल मुरली कृष्ण जैसा दिखता है और लोग उसे शिव जी का रूप भी मानते हैं, यानी अखंडा को लोग शिव जी का रूप मानते हैं। तो अखंडा और मुरली कृष्ण में क्या रिश्ता है? क्या अखंडा वरदा को रोक पाएगा और वो कैसे रोकेगा? क्या सच में अखंडा शिव जी का रूप है? ये सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे थिएटर में अखंडा मूवी देखने के बाद। तो जल्दी से जाइए आसपास के थिएटर में और अखंडा मूवी देखिए। मैं आपको गारंटीड ये बात बताती हूँ कि आपको टोटल एंटरटेनमेंट मिलेगा और आप ये मूवी देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे कि आपने ये मूवी देखी। शिव भक्तों के लिए तो ये एक ट्रीट है, क्योंकि ये हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई मूवी है और शिव जी से जुड़ी हुई मूवी है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की और आपको बहुत ही ज़्यादा खुश करने वाली बात है। तो मैं तो चाहूँगी कि आप ये मूवी देखने ज़रूर जाइए। और आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, पर अगले वीडियो में मिलने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।